ये है हमारा भिंड, प्यारा भिंड। ये स्थित है मध्य प्रदेश के भिंड शहर में। हम आपको वहाँ से लाइव अपडेट दिखा रहे हैं लवली आर्यावर्त के माध्यम से। नमस्कार, लवली आर्यावर्त चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लवली आर्यावर्त, मैं संतोष कुमार। आज जो सबसे बड़ी खबर है वह है एमपी से, यानी मध्य प्रदेश से। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं भिंड सरोवर के बारे में, जो यहाँ बहुत ही फेमस है ये भिंड सरोवर, और बहुत ही दार्शनिक माना जाता है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे लोग, यहाँ के जो स्थानीय हैं उनसे बात करते हैं, क्या खासियत है इस भिंड में। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे भिंड सरोवर में, जहाँ ये भिंड सरोवर मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे हम स्थानीय से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा मुन्ने सिंह कुशवाहा जी है। मुन्ने सिंह कुशवाहा जी, हाँ। यहाँ पे ये कौन सा तालाब है? ये गौरी सरोवर है, मध्य प्रदेश में कहा जाता है, भिंड में, मध्य प्रदेश के भिंड में स्थित है। अच्छा, अगर बताया जाए, कहा जाता है कि ये तालाब बहुत बड़ी है, सही में बड़ी है? हाँ, 8 किलोमीटर की लंबाई है इसकी और चौड़ाई 7 किलोमीटर की है। यानी 8 किलोमीटर लंबी है और 7 किलोमीटर चौड़ी है। अच्छा, और यहाँ पे क्या खासियत है इस तालाब की, क्या है तालाब की? ये मध्य प्रदेश में पाया था, ये इसे बोलते हैं हमारा प्यारा भिंड है, और इसके अंदर 100 मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पे 100 मंदिर बने हुए, और यहाँ पे जो मछलियाँ है ये भी कहा जाता है लोगों के द्वारा कि मछलियाँ यहाँ पे नहीं मारे जाते हैं, मारे नहीं जाते, अपराध है, पकड़ जाओ जाने में। और यहाँ पे खाना ना डाला जाता, आटा वगैरह जैसे ब्रेड आटा और भी चीज अन्य बाजार से खरीद के सामान डालते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए अगल बगल में तो बहुत सारे लोग घूमने आते हैं। ये सामने से भीड़ लगा रहता है यहाँ पे? सामने ऐसी रोज आज तो कम है, और भी होती है, इससे ज्यादा भी भीड़ होती है। अगर देखा जाए तो भिंड में ये सबसे फेमस है यहाँ पे, सबसे गौरी सरोवर, दूसरा बरखंडेश्वर, इसी ऊपर लगा हुआ मंदिर। अच्छा, यही भिंड सरोवर को ही गौरी सरोवर बोला जाता है? गौरी सरोवर इसी को बोला जाता है। लोग यानी दूर दूर से यहाँ आते हैं, बहुत दूर से आते हैं। अगर हम बात करें कि सरोवर में, तो सरोवर में आप देख सकते हैं ये कितना लंबा सरोवर है, और यहाँ पे मछलियाँ भी बहुत अधिक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पे ब्रेड फेंक रहे हैं, और मछलियाँ किस तरह से ब्रेड खा रही है आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि पक्षियों की, जो पानी में रहने वाले जो पक्षियाँ हैं वो भी यहाँ बहुत अधिक है, और स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पक्षियाँ ऊपर में, अभी छोटे छोटे देख रहे हैं वो पक्षी हैं जो पानी के ऊपर रहते हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से वो विचरण कर रहा है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें तो हमारा भिंड, प्यारा भिंड, जो एमपी में स्थित है, अगर बात करें इस तालाब के बारे में तो आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा तालाब है। और इसमें अगर मछली की बात करें तो मछली पकड़ना यहाँ सबसे बड़ी बैंड है, एक कानूनन अपराध भी माना जाता है, आप देख सकते हैं। लवली आर्यावर्त, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।